ये खाना मांगती है और हम लोग जब खा रहे होते हैं तो अक्सर करके खास करके यहाँ वो एक आधा झड़ेगा उसमें यही भी नहीं हो पाएगा हमसे कहते हैं। हमने कहा हो जाएगा, कहते हैं नहीं हो पाएगा, नहीं हो जाएगा। देखिए कैसा लग रहा है, माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। टेस्ट करेंगे, ये जरा से उठाया और खाया। हम तैयार कर लेंगे सलाद, जो कि सलाद हमें दोस्तों सलाम नमस्कार आदाब, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक और ब्लॉग में आप सभी का वेलकम करते हैं। तो हो गई हमारे दिन की शुरुआत और अबान को स्कूल छोड़कर वापस आ चुके हैं और नगमा ने सुबह सुबह बनाए थे चने, वो भी बहुत ही लजीज बने थे। और टिम भी खाना चाह रही थी लेकिन हम लोग उसको नहीं देना चाह रहे थे, लेकिन फिर भी एक चना उसको दिया है बिल्कुल साफ करके, क्योंकि नमक हम टिम को नहीं दे सकते हैं, इनके बाल झड़ना शुरू हो जाएंगे। तो अभी इनको थोड़ा सा दिया है और बहुत ही शौक से इसने खाया है। ये ऐसी कैट है कि हर चीज खा लेती है, तो ये बड़ी अच्छी बात है हमारे लिए, लेकिन हम लोग देते नहीं है क्योंकि इनको प्रॉब्लम हो जाएगी, इनके बाल बाल झड़ने लगेंगे, बीमार पड़ सकती है, पेट खराब हो सकता है। लेकिन बहुत ही क्यूट लगता है जब ये खाना मांगती है और हम लोग जब खा रहे होते हैं तो अक्सर करके खास करके ये आ जाती है हमारे पास, तो ये बात बहुत क्यूट लगती है हमारी टीम की। आप देखिए कितना अच्छा लगता है। और अभी हमें जाना है नर्सरी, क्योंकि हम जो प्लांट लेके आए थे आपको व्लॉग में दिखाया था, उसमें से दो प्लांट कुछ गड़बड़ हो रहे हैं, तो उसको हमें दिखाना है कि आखिर उसके अंदर प्रॉब्लम क्या हो रही है, जो उसकी पत्तियां वगैरह पीली हो रही है, तो वो भी हमें लेके चलना है। तो ये वाला पेड़ है जो खराब हो रहा है और ये भी खराब हो रहा है। आज मिश्रा जी मिल गए हमें, चार दिन से नर्सरी बंद थी क्योंकि फैमिली में फंक्शन था भैया के यहाँ। कल भी हम लोग आए थे यहाँ पे। इसमें क्या दिक्कत हो रही है? इसमें भी ये देखिए, वो एक आधा झड़ेगा उसमें, इसकी भी यही कंडीशन है। पुरानी पत्ती जब सूखेंगे तभी नई पत्ती आएगी, आधी पत्तियाँ सूखती है, चल रहा फसला सूख रहा है, ये भी चल रहा। इसमें ये नए निकल रहे हैं, ये जो पत्ती गिरती है पुरानी होते हाँ। उसी से इसके बेबी प्लांट बनते हैं, वो नया निकल रहा है, इसमें कोई गड़बड़ी है ही नहीं है। जरूर तो हम सोच रहे हैं इसे बड़े में कर दे, तो बड़े में करेंगे तो आप संभाल नहीं पाएंगे। किचन में हमें कुछ शेल्फ बनवानी थी, तो हमारे पास पुरानी प्लाई पड़ी हुई थी और कुछ माइका भी हमारे पास पड़ी हुई थी, तो उसको हमने यूज़ कर लिया उसको बनाने के लिए। तो कभी कभी पुरानी चीज़ें भी हमें काम आ जाती हैं, जो हम रख देते हैं वेस्ट हो जाती है। तो शमीम भाई हमेशा हमसे परेशान रहते हैं, दिक्कत ये है कि हम बड़े जुगाड़ू वाले काम कराते रहते हैं इनसे, ये नहीं हो पाएगा हमसे कहते हैं। हमने कहा हो जाएगा, कहते हैं नहीं हो पाएगा, नहीं हो जाएगा, लेकिन फिर भी ये बात मान जाते हैं। और जो हमारे स्टूडियो की टेबल है उन्होंने पुरानी लकड़ी से बना के दी थी, पुरानी प्लाई से, जो एकदम वेस्ट हो चुकी थी फेंकने वाली, लेकिन बना के दे दी बंदे ने, तो इनका टैलेंट है ये। तो भैया जो मंगाया था हमने मीशो से वो हमें काम नहीं आया, वो लग नहीं पाया, और ये दो शेल्स हम बनवा के लगाएंगे और जब लगेगा तो बहुत खूबसूरत लगेगा, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो अभी तो ये तैयार हो रहा है और पूरा तैयार हो जाएगा, अभी नीचे जब चलेंगे तब दिखाएंगे। और शमीम भाई आ गए हैं। और एक ख़ास बात और है, हम तो सोच रहे थे कि अभी आए हैं देखे हैं तो दो तीन दिन तो लग ही जाएगा, मगर ये तो सरप्राइज हो गया कि सुबह देख के गए और अभी दोपहर में आ भी गए, तो ये तो बड़ा अल्लाह का शुक्र है, फटाफट हो जाएगा। तो शमीम आज सारा काम काट पीट वाला और सनमाइका चिपकाने वाला काम कर देंगे और कल ये फिट करेंगे, लेकिन हम दिखाएंगे इसी वीडियो में आपको जो फिट हो गया है सारी चीज़ें, तो वो हम इसी वीडियो में दिखाएंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, बहुत ही अच्छा लगा था वो फिट होने के बाद। तो आइए देखते हैं The next day। तो ये फिट होने के बाद कुछ ऐसा लग रहा है, ये हमने जगह चुनी थी जो खाली थी किचन के अंदर, तो इसको इसी हिसाब से लगाया गया। बस थोड़ा सा दिमाग मेरा नहीं लगा, जैसे ये गैप दिख रहा है ना, तो थोड़ा सा अगर बड़ा होता तो ये इसी के अंदर फिट हो जाता, ये पटरे इतने बड़े थे नहीं, इस वजह से इसको साइड से लगा के तब इसको टांगा गया है। और एक यहाँ पे लगा दिया है जो हमारे पास बेकार प्लाई रखी हुई थी, उसी का हमने इसको बना दिया, मतलब बनवा लिया शमीम से, तो ये हमारे यूज में आ गया। और नगमा ने जैसे लगा हुआ है वैसे सारी चीजें इसके अंदर डेकोरेट कर दिए, लग दिए। आप बताइए कैसा लग रहा है आपको। और एक और ऊपर लगा हुआ आपको दिखाते हैं, और एक हमने लगाया है यहाँ पर, इसमें भी नगमा ने रख दिया है, तीन गमले वगैरह रख दिए, तो ये बड़ा खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे। और ये एक लग गया हमारे स्टूडियो में, इसके अंदर हम कुछ अपना शोपीस वगैरह रख सकते हैं और जो हमारी ट्रॉफीज वगैरह हैं वो भी हम रख सकते हैं इसके अंदर। कुछ चीजें जो हमारी वेस्ट हो जाती है, मतलब कटिंग निकलती है, तो हम रख लेते हैं उसको, कभी ना कभी वो यूज में आ जाती है। और नगमा तो कहती है फेंक दो, लेकिन हम कहते हैं नहीं रख लो, कभी ना कभी काम आ जाएगी। तो देखो आप, तीन जगह लग गया, और एक तो वो भी हमारे पास पहले से रखा हुआ था जो आपने किचन वाला देखा था,
तो अभी इसके ऊपर पेंट करना रह गया है, सब्र नहीं हो रहा था हमसे, हमने जल्दी जल्दी उठा के सारे गमले रख दिए, देख रहे थे कि कैसा लग रहा है, माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। तो किसी दिन टाइम मिलेगा तो इसके ऊपर हम व्हाइट कलर का पेंट भी करेंगे तो और अच्छा लगेगा। तो अभी हो गई है शाम और ये चले गए अपने इवेंट में और अब हम बनाने वाले हैं चना जोर अवान के लिए, क्योंकि अवान को थोड़ी सी दोपहर में खाना नहीं खाया था अवान ने चाय के बाद, तो अवान को थोड़ी सी भूख आई है। खाने में बनाएंगे सिर्फ मूंग की खिचड़ी, ज्यादा कुछ नहीं बनाएंगे क्योंकि हम अवान ही खाने के लिए हैं खाली। और इधर हमने सोया मेथी और पालक और हरी धनिया को काट के रख दिया है, ये भी इसे बना के रख देंगे क्योंकि अवान की सुबह में टिफिन के लिए। और इसमें चाट मसाला नमक डाल दिया है काला, अब इसमें थोड़ा सा डालेंगे प्याज, आधा नींबू निचोड़ देंगे इसमें और थोड़ी सी डाल देंगे इसमें हरी धनिया कटी हुई, अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। ये क्या है? अरे वाह चना जोर, जोर नहीं जोर, जोर क्या होता है? जोर। और भैया अबान को दे दिया हमने खाने के लिए और अब अपने लिए हम बनाएंगे खूब तीखा सा चटपटा सा। तो इसके अंदर हमने बहुत सारी हरी मिर्च डाली है और थोड़ा सा दही फुल्की मेरे पास रखा था जो हमने बनाया था, उसी के अंदर डाल के खाएंगे तो बड़ा ही मज़ेदार लग रहा है खाने में। और ज़रा से हम टेस्ट करेंगे, ये ज़रा से उठाया और खाया, बहुत ही मज़ेदार। और खाने के बाद अब बना लेते हैं मूंग की खिचड़ी, बहुत ही अच्छी बनती है और अबान को बहुत ज़्यादा ही पसंद है मूंग की खिचड़ी, तो फटाफट से इसको भी बना लेते हैं। और इसमें आ गया उबाल, अब लगा लेंगे एक सीटी, एक से दो सीटी आ जाएगी जब तक हम तैयार कर लेंगे सलाद, जो कि सलाद हमें बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, तो वो भी हमने बना के रेडी कर दी है और ये तैयार हो गई है कितनी बढ़िया और अच्छी सी खिचड़ी। तो चलते हैं पहले अबान को खिला देते हैं, क्योंकि अबान जब अब्बा नहीं होते हैं तो अबान मेरे ही हाथ से खाते हैं, तो पहले अबान को खिलाएंगे फिर हम खाएंगे। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं आपसे कल, दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।